अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है, तो अगर आप खड़े हुए तो बैठ जाएं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो तकरीबन 12 से 15 फीसद खवातीन में और 1% मर्दों में भी पाई जाती है। एक ऐसी बीमारी, क्या ड्रामेबाजी लगा के रखी है, बंद करो ये सब। और ये क्या फिल्टर लगाया हुआ है, और अपनी शर्ट जरा। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, एक ऐसी बीमारी जो अगर सही वक्त पे पकड़ ली जाए तो बड़े आराम से काबू में आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेस्ट कैंसर की। कैंसर बेसिकली कहानी है एक सेल की, एक गुमराह सेल जो सीधा रास्ता चलते चलते अपना रास्ता ही भटक गया। सेल्स आमतौर पर अपनी प्रोग्रामिंग के मुताबिक मल्टीप्लाई होते हैं, अपनी तयशुदा साइज तक पहुंचते हैं और फिर मर जाते हैं। उनकी जगह लेते हैं नए दूसरे सेल्स। अगर इन सेल्स की प्रोग्रामिंग में कोई तब्दीली या म्यूटेशन आ जाए तो ना तो ये सेल्स सिर्फ अपनी तयशुदा साइज से भी बढ़ जाते हैं बल्कि मरते भी नहीं। फिर यही गुमराह सेल्स मल्टीप्लाई होते होते लाखों और करोड़ों सेल्स का एक गुच्छा बना लेते हैं। अगर इस वक्त भी इनको पकड़ लिया जाए तो उन पर काबू पाया जा सकता है, मगर ये छुपके छुपके मल्टीप्लाई होते हैं और दर्द जैसी अलामत महसूस भी नहीं होने देते। लिम्फ की नालियां खून की नालियों की तरह पूरे जिस्म में फैली हुई होती हैं। अगर किसी वजह से ये सेल्स का गुच्छा अभी भी ना पकड़ा जाए तो इनमें से सेल्स निकल निकल के लिम्फ की नालियों में दाखिल हो जाते हैं और पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। फिर यही फैलते हुए सेल्स ब्रेन, लंग्स, बोन, किडनी और लिवर में जाके मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। इस स्टेज को स्टेज 4 या मेटास्टेसिस या आम जबान में कैंसर का फैलना बोलते हैं। लेकिन स्टेज 4 पे इन सेल्स पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उस बात की तरफ आते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। इस कमबख्त कैंसर सेल को बड़े होने से पहले और अलामत शुरू होने से पहले कैसे पकड़ा जाए, इस सवाल का जवाब देते हैं एक सवाल से। क्या आप एक खातून हैं? सीरियसली असद? खातून? क्या आप एक मोहतरमा हैं? अगर इसका जवाब नहीं भी है तो थोड़ा वेट कर लें, लेकिन अगर इसका जवाब हाँ है तो अपने आप को ग्रुप में कैटेगराइज कर लें। हमें 2 ग्रुप बनाने होंगे। पहले ग्रुप में वो लोग होंगे जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री मौजूद होगी, जबकि दूसरे ग्रुप में वो लोग हैं जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री मौजूद नहीं है। अगर आपका ताल्लुक पहले ग्रुप से है तो आपकी स्क्रीनिंग 30 साल की उम्र से शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन अगर आपका ताल्लुक दूसरे ग्रुप से है तो आपकी स्क्रीनिंग 40 साल की उम्र से शुरू होनी चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट 3 किस्म के होते हैं। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होने की सूरत में सेल्स की प्रोग्रामिंग चेक की जाती है, जिसको जेनेटिक टेस्टिंग कहा जाता है। मेमोग्राफी एक स्पेशल किस्म का एक्सरे है जो कैंसर सेल्स डिटेक्ट करने में काम आता है। और छोड़ो असर, तुमसे नहीं हो पाएगा। स्क्रीनिंग का तीसरा और सबसे आसान तरीका इस सेल्फ एग्जामिनेशन। रिकमेंडेशंस के मुताबिक सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने पीरियड के खत्म होने के बाद परफॉर्म करनी चाहिए। इस दौरान किसी किस्म की गुठली, स्किन चेंजेस, खून या डिस्चार्ज आने पर डॉक्टर से रुजू करें। बस असद, इतनी सी बात थी। थैंक यू रिक्शा। याद रहे, एहतियात इलाज से बेहतर है और अर्ली इलाज लेट इलाज से बेहतर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और स्क्रीनिंग क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते तो इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आप किसी को कैंसर से बचाने में मदद कर सकें। ओके, अगर इन सब बातों के बाद आपके जहन में फिर भी सवाल आते हैं तो अच्छी बात है। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है असद खान और ये है डॉक्टर साहब। Why do you have to do this to me? Oh my God!